दोस्तों हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। वैसे तो पनीर का सब्जी आप सबों ने खाई होगी, लेकिन आज हम लोग अंडे से पनीर बनाएंगे और उसका हम लोग सब्जी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस जला के पानी गर्म करेंगे। ढक्कन लगा करके गर्म करने से बहुत जल्दी गर्म होता है। बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अंडा को यहाँ पर फोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अंडा लिया है। सबसे पहले डालेंगे नमक, उसके बाद डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये सारे चीज को हम लोग मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। अब चलते हैं दूसरा प्रोसेस में। अब इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा तेल, तेल को कुछ इस तरह से हम लोग टिफिन में लगा लेंगे। अच्छे से मैंने चारों तरफ तेल को लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें जो अंडा हमने फेंट के रखा था उसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब ये पानी में ये टिफिन को हम लोग डाल देंगे। बैलेंस बना रहे इसीलिए मैंने एक ठो प्याज का टुकड़ा डाल दिया है। अब मेरी टिफिन जो है बिल्कुल सीधा हो गया है, तो इसको अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तैयार हो रहा है, तब तक इधर आलू को फ्राई कर लेते हैं। नमक डाल देंगे, हल्दी, ढक देंगे। आलू यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, अब मैं आलू को निकाल लूंगी। टमाटर लिया है, यहाँ पर टमाटर भी मैं डाल दूंगी। Thank you.
अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अंडा जो है वो हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये हुआ है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। साइड से इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे हम लोग। इसमें ये थाल में निकाल लेंगे इसको। अब इसमें उलट के निकाल देंगे कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें रह गया है, इसको भी निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग इसको पनीर के जैसा काट लेंगे। देखिए निकाल के दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल पनीर जैसा हो गया है। अब हम लोग मसाला को पीस लेंगे। ये प्याज और टमाटर जो मैंने फ्राई करके रखा था ये ठंडा हो चुका है, अब इसको पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पोस्ता को डाल देंगे। इसमें दो ठो हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसको पीस लेंगे। अब हम लोग इसी कढ़ाई में सब्जी को बनाएंगे। तेल डालेंगे पहले, दो तेज पत्ता डालेंगे, गोटा गरम मसाला को डाल देंगे, आप जो मसाला हमने तैयार किया था इसको डाल देंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। अब ये मसाला जिसमें हम लोग पीसे थे इसका पानी थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। मसाला यहाँ पर फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम लोग पानी और आलू को डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
इसको ढक के 2 मिनट पकाएंगे। देखिए आलू सब पक गया है। अब हम लोग इसमें अंडा को डाल देंगे। देखिए लग रही है ना कि पनीर का सब्जी बना रहे हैं। इस तरह से अगर आप अंडा का सब्जी बना के खाएंगे तो यकीन मानिए आप पनीर को भी भूल जाएंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए और हम लोग पकाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डाल देंगे गरम मसाला, डाल देंगे कसूरी मेथी और इसको चला देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और गैस को बंद कर। अंडा पनीर का सब्जी तैयार है। लग रहा है ना कि ये पनीर का सब्जी है, लेकिन ये अंडा का सब्जी है। दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आप जरूर इस तरह से अंडा का सब्जी बना के खाइए, अंडा करी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।